दोस्तों आइए जानते हैं वर्ल्ड कप के साथ जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। मोहम्मद शमी ने दिखाया है कि क्यों उन्हें प्लेइंग 11 में होना चाहिए, क्यों इंडिया को स्पेशलिस्ट 5 बॉलर्स खिलाने चाहिए। मोहम्मद शमी ने 5 विकेटें लेकर न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर्स में अच्छी फिनिश नहीं करने दी, जिसकी वजह से वो 300 स्कोर नहीं कर पाए, जो एक समय पर लग रहा था कि इजिली कर लेंगे। और मोहम्मद शमी का एक्सपीरियंस बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल और फाइनल में। दोस्तों विराट कोहली 100 नहीं बना पाए और वो 95 पर आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे हैं। जैसे होता है कि कुछ भी हो जाए विराट कोहली हैं वो संभाल लेंगे, जैसे कि अगर जल्दी विकेटें गिर जाएं तो सबको भरोसा है कि विराट कोहली टीम को जिता देंगे। वो इसी तरह से कुछ बैटिंग कर रहे हैं। दोस्तों इंग्लैंड के फास्ट बॉलर रीस स्टॉपली चोट के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। वैसे लगभग इंग्लैंड की टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर ही हो गई है, बस एक और हार और उनका वर्ल्ड कप का सफर खत्म। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया के मैचेस हुए हैं उन पिचेस को आईसीसी ने एवरेज रेटिंग दी है, जिससे टीम इंडिया के कोच नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या आईसीसी चाहता है कि हर मैच में 350 रन बने। अगर स्पिनर विकेट लें तो उस विकेट को एवरेज रेटिंग दे देते हो आप। दोस्तों एलिसा हिली ने कन्फर्म किया है कि उनको अपने राइट इंडेक्स फिंगर पर सैटरडे नाइट को कई बार कुत्ते ने काटा था और वो उस हादसे के बाद अपने करियर के लिए भी डर गई हैं, लेकिन वो उम्मीद करती हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और ऑस्ट्रेलियन टीम में जल्दी ही वापसी करेंगी। दोस्तों इंडिया के खिलाफ डेरल मिचेल 127 बॉल्स पर 130 रन बनाए, लेकिन उनकी टीम 300 भी नहीं बना पाई, जिससे सैमुअल डुल ने कहा है कि डेरल मिचेल की पारी बहुत ही ज्यादा स्लो थी। चाहे उन्होंने 100 बनाया पर वो अपनी टीम को उस स्कोर तक नहीं पहुंचा पाए जिससे वो जीत पाते। तो दोस्तों ये थी कुछ लेटेस्ट क्रिकेट की न्यूज़। ऐसी और अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन भी दबा दें।